हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज मैं फिर से उस पुराने साइट पे आया हूँ जहाँ फर्स्ट फ्लोर का कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है। तो आज जो है सामने के छज्जा का डिज़ाइन है और उसका जो है शटरिंग हो चुका है, सरिया भी बांधा जा चुका है। मेन गेट और जो खिड़कियाँ हैं, जो सामने के दरवाज़ा है, इस पर छज्जे का डिज़ाइन है। दरवाजे पर अलग डिज़ाइन है और खिड़की पर अलग डिज़ाइन है। इसमें डेकोरेटिव लाइट्स के लिए भी पाइपलाइन का काम हो रहा है। देख सकते हैं आप, इलेक्ट्रिशियन जो आए हुए हैं वो पाइपलाइन लगा रहे हैं। और बाकी टोटल ब्रिक वर्क का और कॉलम कास्टिंग का काम हो चुका है। अब पीछे से शटरिंग का काम होगा और सरिया बांधने का काम होगा। इसमें सिर्फ और सिर्फ काम अगर बचा हुआ है तो स्टेयर का काम बचा हुआ है। सामने वाले स्टेयर में भी कुछ काम आगे हो चुका है। कॉलम वगैरह, एक सपोर्टिंग कॉलम निकला है ताकि सीढ़ी जो है नीचे से वाइब्रेट कर रहा था, तो इसके लिए एक सपोर्टिंग कॉलम मैंने दिलाया है। बाकी आप देख सकते हैं ये ब्लॉक का डिज़ाइन है छज्जे का, जो काफ़ी सुंदर दिखाई देगा जब ये कम्प्लीट हो जाएगा। तो छज्जे पर तो मैं चढ़ गया, बट उतरने के लिए सोचना पड़ेगा। और मैं अब ले चलता हूँ आपको पिछले हिस्से में। कॉरिडोर से होते हुए हम लोग चल रहे हैं और देखिए ये गेस्ट रूम है, ये टॉयलेट ब्लॉक है। फिर आगे चलते हैं, स्टेयर है अंदर वाला। इसके बाद से इसमें जो है ये राइट साइड में बेडरूम है। फिर इसके बाद आगे ये भी राइट साइड में बेडरूम है विथ अटैच टॉयलेट। और इसके बाद से फिर ये राइट साइड में ये भी टॉयलेट है विथ अटैच टॉयलेट, बेडरूम विथ अटैच टॉयलेट। ये डाइनिंग कम किचन एरिया है, ओपन किचन होगा, पूजा घर है। और पूजा घर के साथ साथ ये सामने लॉबी एरिया है, डाइनिंग है और ये एक बेडरूम है। तो देख सकते हैं सारा ब्रिक वर्क का काम हो चुका है, कॉलम कास्टिंग का काम हो चुका है, छज्जा का काम हो चुका है, टोटल काम हो चुका है। अब इसमें जो है शटरिंग होगा और इसके बाद से स्लैब का कास्टिंग होगा। एक महीने के अंदर अंदर ये टोटल काम हुआ है, तो काम का रफ्तार तो काफ़ी अच्छा है और काम भी ठीक है। ब्रिक वर्क वगैरह सब सही है, कॉलम कास्टिंग का भी काम सही है। कहीं कहीं थोड़ा सा कुछ वर्कमैनशिप पुअर है, बट ठीक है। ये जो रूम है उसके साथ अटैच टॉयलेट है ना। अब मैं रूम वाइज आपको दिखाता हूँ। इसके बाद सेकंड रूम में ले चलता हूँ, इसमें भी आपको अटैच टॉयलेट दिखाता हूँ। लेफ्ट साइड में टॉयलेट है, ये रहा टॉयलेट। और अब जो है आप आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, ये भी बेडरूम है। और बेडरूम के बाद घर के अंदरूनी हिस्से में जो सीढ़ी है ये है, अभी इसका काम नहीं हुआ है। इसके बाद से ये टॉयलेट ब्लॉक है, इसमें मैं आपको दिखा दूं, एक वॉश एरिया है, एक अटैच टॉयलेट है, एक WC है इंडियन, ये अटैच है, ये राइट साइड में वॉश एरिया है। और ये मेरा WC है और इसी के बगल में वॉशिंग मशीन का भी एरिया है। ये गेस्ट रूम है, ये गेस्ट रूम हमारा हो गया। साइज इसका जो है 11x13 का है। और इसके आगे जो है वो लिविंग एरिया है, ड्राइंग एरिया मेरा जो आएगा वो है। ये लगभग 20x12 फीट के आसपास का है। इसमें 6 फीट का मेन डोर है। और अब मैं आपको दिखाता हूँ ये छज्जे का पिलर भी नहीं निकल रहा है, कास्टिंग है तो इसका ही देखना था काम। बाकी सामने वाला सीढ़ी भी जो है ये अब काम होगा तेज़ी से। तो एक बार और आपको ओवरऑल मैं दिखा देता हूं अंदर तक का नज़ारा तेज़ी से चलते हुए, क्योंकि साइड पर आने के बाद कई बार कभी कुछ आगे का हिस्सा समझ ना आता है मिस्त्री को, कभी पीछे का हिस्सा को समझ ना आता है, बार बार आना पड़ता है साइड पर।
है ना, जहाँ भी उनको कोई टेक्निकली एडवाइस चाहिए, कोई डिस्कशन है या फिर कुछ जो ना बात समझ में आ रहा उसको बताना पड़ता है। तो अब आ गए हैं नीचे, और नीचे से आपको ये साइड दिखाता हूँ। ग्राउंड फ्लोर तो बन चुका था, फर्स्ट फ्लोर का काम लगा है, जो काम जो है रफ्तार से हो रहा है। मैं इसका शुरू से आपको अपडेट देता रहा हूँ, उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा। तो इसका टोटल फाइनल वर्क तक मैं इसका अपडेट इंशाल्लाह देता रहूँगा, और आपको इसका काम जो है स्टेप बाय स्टेप दिखाता रहूँगा। मिलते हैं नए वीडियो में। ओके, खुदा हाफिज़, बाय बाय।